जनपद सदस्य प्रतिनिधि नवीन खारोल और भाजपा दक्षिण मंडल महामंत्री शुभम शर्मा द्वारा कलेक्टर को एक शिकायती आवेदन प्रेषित किया गया, जिसमें भू माफियाओं पर आरोप लगाए गए कि भू माफियाओं द्वारा शासकीय भूमि को अपनी बताकर उस पर कब्जा कर लिया गया है। कलेक्टर को प्रेषित किए गए ज्ञापन में बताया गया कि ग्राम पंचायत जमुनिया कला तहसील की सर्वे क्रमांक 21 की आबादी भूमि जो कि रिक्त पड़ी हुई है और हाईवे से लगी हुई है, जो कि भूमि की कुछ दिनों पहले नप्ती की गई थी, जिसमें पाया गया कि भूमि को भू माफियाओं द्वारा अपनी भूमि में सम्मिलित कर लिया गया है, जिस पर प्रीकास्ट के दीवार खड़ी कर ली गई है। शिकायती आवेदन के माध्यम से मांग रखी गई है कि ग्रामवासियों की सुविधाओं को देखते हुए उक्त भूमि को भू माफियाओं के कब्जे से मुक्त कराया जाए। सर, ये मामला है ग्राम पंचायत जमुनिया कला की सर्वे क्रमांक 21 जो कि आबादी भूमि होकर मेन हाईवे पर है, जो बेश कीमती मतलब आज के समय में करोड़ों रुपए की जमीन है। उस जमीन पर धनुका एक्सटेंशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा एक पक्की बाउंड्री वाल बनाकर उसको जो उसकी जमीन रिक्त पर जमीन पर उन्होंने कब्जा किया। जब इस विषय में हमने पहले भी ये मामला उठाया था और पूर्व में भी इसकी शिकायत करी थी, तो ग्रामवासियों ने वहाँ कब्जा हटवा के पत्थर वगैरह सब हटवा के वहाँ पटवारी साहब ने एक बोर्ड लगवाया था जो कि पटवारी भवन के लिए भूमि आरक्षित की गई थी, उस भूमि पर ये अवैध अतिक्रमण किया गया, कब्जा किया गया। तो हम ग्रामवासियों की ये मांग है और आज हमने कलेक्टर साहब को भी इस विषय से अवगत करवाया कि सर ये कब्जा मुक्त करवा कर वो जो ज़मीन है वो ग्रामवासियों के हित के लिए रखी जाए, ताकि भविष्य में कोई भी वहाँ अस्पताल बन सके या कोई भी सामुदायिक भवन बन सके या ग्रामवासियों के हित के लिए कोई भी भवन निर्माण वहाँ हो सके। कितने रुपए की लागत की जमीन होगी, क्या स्थानीय जो पटवारी और जो है पंचायत वो ध्यान नहीं दे रही, क्या हो रहा है? सर, जमीन वो करोड़ों रुपए की है, जिस तरफ से आप देख रहे हैं कि भू माफिया आज हावी है। अगर इन्हें धानुका की बात की जाए तो आज इनके पास लाखों करोड़ों की भूमियां, मतलब ये कंडीशन है कि आज के समय में कोई व्यक्ति, गरीब व्यक्ति या कोई किसान व्यक्ति जमीन खरीद नहीं सकता। तो ऐसी समय में वो एक देश की, क्योंकि मेन हाईवे से लगी हुई जमीन है, तो करोड़ों रुपए में आज उसकी कीमत है। और दूसरी बात ये है कि धानुका एक्शन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा जमुना कला के विकास के नाम पर आज तक नहीं कुछ दिया गया, क्योंकि धानुका एक्सटेंशन दे रहा है तो सिर्फ गंदगी और प्रदूषण, क्योंकि उसके प्रदूषण से कहीं ना कहीं लोग वायु प्रदूषण वगैरह और जो भी कुओं का पानी खराब हो चुका है। लेकिन इन्होंने आज तक कभी ग्रामवासियों की कोई सुध नहीं ली, नहीं कभी कोई स्वास्थ्य शिविर वगैरह लगवा कर लोगों के स्वास्थ्य की जांच करवाई, या मतलब इनका केवल है कि जिस जमीन से, जिस गांव से आज आप इतना पैसा कमा रहे हो और उसी गांव वालों की कभी कोई शुद्ध लेना चाहिए। गांव में पीने का पानी खराब हो चुका है, लोग बीमार हो रहे हैं, उनकी कोई परवाह नहीं है। और ये जो जमीन गांव की जमीन थी, ग्राम पंचायत की जमीन, उस पर भी ये कब्जा करके बैठ चुके हैं। आपने क्या आश्वासन दिया? साहब ने कहा कि मैं इस पर कार्रवाई के इसको दिखवा के इस पर जांच करवा कर और तत्काल कार्रवाई करूंगा। अभी इन लोगों ने मेरे संज्ञान में लाए हैं कि वहां पर आबादी की भूमि पर प्राइवेटली अतिक्रमण किया गया है, इसकी जांच कराई जाएगी और अगर अतिक्रमण सही पाया जाता है सीमांकन कराने के बाद तो उस पर हटाने की कार्रवाई करी जाएगी। सर, किनके द्वारा कब्जा किया जा रहा है, किस फर्म के द्वारा कब्जा किया जा रहा है? अब मैं एप्लीकेशन में होगा और गांव वाले बता पाएंगे, मगर अभी तो है कि अतिक्रमण है, चाहे कोई भी फर्म करे या कोई भी प्राइवेट आदमी करे तो वो तो गलत है। तो शासकीय भूमि अगर पाई जाती है तो उस पर कार्रवाई होगी।